नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सितारगंज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। सितारगंज के महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट सभागार में सितारगंज के गौरव सेनानी संगठन एवं सितारगंज सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा विगत दिनों हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद देश के प्रथम सैन्य अधिकारी CDS विपिन रावत व उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम का पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, विधायक सौरभ बहुगुणा व नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने भारत माता के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष त्रिलोक अरोरा व गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष कैप्टन आत्मा सिंह एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शहीद सैनिकों को पुष्प अर्चित कर श्रद्धांजलि दी गई। SM पब्लिक स्कूल की छात्राओं द्वारा शहीद सैनिकों के सम्मान में देशभक्त गीतों का गान किया गया। श्रद्धांजलि सभा में कैप्टन आत्मा सिंह ने कैप्टन RP रेखाली, कैप्टन जगत सिंह, कैप्टन जितेंद्र पांडे, कैप्टन हरीश चंद्र ओली, कैप्टन GS शर्मा आदि मौजूद थे। व्यापारी है, नेता लोग है, हमें भी उसी निष्ठा के साथ, उसी लगन के साथ, उसी भावना के साथ देश के लिए समर्पित होना चाहिए। और हम जहाँ भी हैं हमें सोचना चाहिए कि हम क्या योगदान दे सकते हैं अपने इस देश को बाहर बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। और हमारी जो दूसरे देशों प्रति अपना युद्ध नीति का प्लान था, वो सभी उनसे घबराते थे। इस शहीदी समारोह को हमने सभी जो एक्सर्विसमैन संगठन, गौरव सेनानी संगठन सितारगंज, उसका सभी ने मिलकर के उनके 14 आदमियों को श्रद्धांजलि समारोह रखा है। तो उसके बीच में ये सभी प्रोग्राम हमने किया है, सबका हम जो जो जिसने हिस्सा लिया उनका हम हमारे फौज हमारे लिए प्रेरणा है और उत्तराखंड के लिए तो बहुत गौरव की बात थी कि पहला चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हमारे उत्तराखंड से रावत जी हुए। और 8 दिसंबर का दिन तो बहुत ही दुखद दिन था, हमने 13 वीर अपने अफसरों को उस दिन खो दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सही श्रद्धांजलि ये होगी कि हम जो भी लोग हैं, चाहे व्यापारी हों, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, हम भी अपनी भूमिका निभाएं, ईमानदारी से, निष्ठा से कार्य करें और देश को जो है मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान दें, समाज में प्रेम भाव बनाए रखें। प्रधानमंत्री जी ने फौजियों के सम्मान में देखिए वॉर मेमोरियल इतना बड़ा बनाया है दिल्ली में, इंडिया गेट। हमारी राज्य सरकार जो है वो मट्टी ला करके भी हमारे शहीद से यहाँ पे मेमोरियल बना रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए सितारगंज टीवी। हाँ, सितारगंज टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।